आज हम शुरू करने वाले हैं अब जो टॉपिक जो जनरल फिजिक्स में नहीं है, जनरल मतलब इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आता है, नाइन टेंथ के ऐसे कोर्स में नहीं आता है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है और वही टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। और संयोग बस सौरभ ने उसी से क्वेश्चन पूछा है, तो आज सौरभ के क्वेश्चन से उसी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम लोग करेंगे वो टॉपिक एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है, उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता है, बस उसको देखकर एग्जाम्पल से उसको फाइंड आउट हम कर सकते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन रेसिस्टर्स इन मल्टी लूप। अलग अलग लूप से बहुत सारे रेसिस्टर जब एक साथ जुड़ेंगे उनके इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि इसका कैसे निकाली कैसे निकाले, लेकिन है बड़ा इजी, फिर भी समझाना तो पड़ेगा। तो आप जो कुछ टॉपिक बचे हुए उन्हें टॉपिक को लेंगे, उनमें से आज ये एक टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक्स में हम स्टार्ट करेंगे तो एग्जांपल से ही इसको समझना है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम सौरभ का क्वेश्चन भेजा होगा, उसके बाद किसी ने और दूसरा कोई क्वेश्चन भेजा नहीं है, तो कुछ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और उसी को आज हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सौरभ द्वारा भेजा गया है, एक सर्किट दिया हुआ है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे बनते हुए दिखेगा, और उस सर्किट से क्वेश्चन ये है कि एमीटर्स में प्रेजेंट होने वाले एम्पियर्स को बताना है, इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा और वो जाकर एम्पियर पे कितना बताएगा ये हमें बताना है। तो ये सर्किट आपके स्क्रीन पे है, एमीटर भी है, तो इस सर्किट से सोर्स भी है और इस सोर्स से निकलने वाले एम्पियर्स एमीटर तक कितना पहुंचता है ये भी निकालना है। तो इस तरह के किसी भी तरह के काम सॉरी किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें जो देखना होगा, बस ये देखना होगा कि रेसिस्टर्स जो जुड़ा है उसके पास वन वे करंट आ रहा है कि टू वे आ रहा है। अगर दो या दो से अधिक पास से होकर करंट आ रहा है रेसिस्टर्स के पास, वो पैरेलल ऐड करेंगे और वन वे जितने भी आ रहे हैं वो सीरीज से जुड़े। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल से देखना है और ध्यान से देखते रहिए करते क्या है। यहाँ पे चार छह रेसिस्टर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उनके कनेक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। उन तीन पार्ट्स को हम भी बांट देते हैं, ये देखिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, मतलब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, और तीन पार्ट में बटा हुआ है ये सर्किट। उसी तरह तीन पार्ट में हम बांट लेंगे, हालांकि इस तरह का जो लूप सर्किट में होता है इसके लिए एक रूल्स है कि कॉफ हो, लेकिन वो हम लोगों को जनरल या लेसन से भी टेंथ तक नहीं पढ़ना है, तो उस रूल्स में नहीं जाएंगे, उसमें दो तीन रूल्स है, उस रूल्स के अनुसार निकालते हैं। और चाहे वो यहाँ से ही दिया हो, 20-100 भी दिया रहा है, तो वहाँ हम उस रूल से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जनरली उसी रूल का हम यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें भी जंक्शन स्मार्ट किया जाता है, उस जंक्शन से अलग अलग सेक्शंस बांट दिए जाते हैं और उसी से उनको कंपेयर करके निकाला जाता है। उसी रूल को हम लोग भी यहाँ फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ जो है जनरल फॉलो करेंगे। तो हमने भी तीन सेक्शंस में बांट दिया और आप देख रहे हैं कि तीनों सेक्शंस में कनेक्शंस किस तरह के हैं। हम बात करते हैं पहले सेक्शन की। पहले सेक्शन में दो रेसिस्टर जुड़े हुए हैं 4 ओम साइड को, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड 4 ओम्स एंड 4 ओम्स। इन दोनों का कनेक्शन का देखो, एक तो
स्प्रिंग मैन हो गया है तो वो वन वे में है, लेकिन दूसरा वाला जो है इसको इधर से भी करंट मिलेगा और इधर से भी करंट मिल सकता है। अगर किसी वजह से इधर से ब्लॉक हो जाए तो भी यहाँ चलता रहेगा, इसका कनेक्शन नहीं कटेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है, बॉल फ्यूज हो गया तो भी इस बॉल के पास ये दोनों फोर एम्स के रेसिस्टर्स को हम अगर मान लेते हैं कि वो बॉल है या कोई डिवाइस है, अगर एक डैमेज हो चुका है इसको पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें, तो मान लो कि पहला डैमेज हो गया है, पहला डैमेज हो गया है तो दूसरे के पास करंट मिलेगा कि नहीं देखकर बताओ तो मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक और पाथ का करंट मिलने का, तो वो पाथ है इधर से आ जाएगा करंट, इधर से अगर ब्रेक भी हो गया है तो इधर से आ जाएगा। मतलब दूसरे वाला जो रेसिस्टर्स है उसको टू वे करंट मिलेगा, क्योंकि किसी वजह से एक कंडक्टर फेल हो जाए तो इधर से उसको करंट मिलेगा। मतलब दोनों पाथ अगर ब्रेक हो तभी इस कंडक्टर रेसिस्टर्स को करंट नहीं मिलेगा, बाकी एक कोई भी पाथ अगर फ्यूज होता है तो दूसरे पाथ से उसको मिल जाएगा, तो वो टू वे में। तो इस तरह से दोनों एक ही वे से दोनों को नहीं मिल रहा है तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल बन जाएंगे। एक सेक्शन ये हो गया, दूसरे सेक्शन में आओ, ये दूसरा सेक्शन, इसमें भी देखो मान लो कि इधर से कोई ब्रेक हो जाए तो इसको इधर से मिल जाएगा, अगर इधर से ब्रेक हो जाए तो इधर से इसको मिल जाएगा, मतलब वो भी टू वे में है और ये भी टू वे में है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरे सेक्शन के भी वही कुछ कंडीशन है, तीसरे सेक्शन में भी देखो अगर ये इधर से ब्रेक हो जाता है तो इधर से इसको मिल जाएगा, या फिर ये ब्रेक हो जाता है तो इसको इधर से मिल जाएगा। मतलब कि दोनों को दोनों वे से करंट फ्लो हो सकता है, तो वो भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये क्या करते हैं कि इसको एक पॉइंट बनाते हैं, हम इसको एक पॉइंट बनाते हैं और इसको पकड़ के खींच देते हैं, खींच देने पे हमारा कंडीशन कैसा बनेगा, उस पाथ को हम नीचे ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ से इसको पकड़ के और यहाँ से पकड़ के हम स्ट्रेच करेंगे ऐसे, इसको इधर की तरफ खींचेंगे, इसको इधर की तरफ खींचेंगे, तो ये सीधा होने लगेगा, सीधा होगा तो कैसा होगा वो कनेक्शन देख लीजिए अपना, वो कैसा होगा। ये फोर और फोर स्ट्रेच किया तो इस तरह का मिल गया, ठीक है। टू और टू कैसा मिलेगा, ये देख लीजिए, टू और टू ऐसा मिल गया, और सिक्स कैसा मिलेगा वो देखो। अब ये तीनों के कनेक्शन से मिल गए, इस कनेक्शन को दिए गए मीटर और सोर्स से जोड़ देते हैं, ये हमने कनेक्टर और सोर्स से जोड़ दिया। अब ये कैसा बन गया सौरभ, ये कैसा बन गया, प्रयास प्रयास करके सीरीज में हो गया, पूरा कैलकुलेट करके हमें बताओ तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। टोटल फ्लो करता है वही एम्पियर पे शो करता है, ओके।
किसी एक रेजिस्टर का एम्पियर शो नहीं करता है, वो टोटल सर्किट का एम्पियर को शो करता है। तो वो कितना आ जाएगा 5/3 एम्पियर। तो 5/3 वाला जो नंबर होगा उस नंबर को आंसर बना लेंगे। उज्ज्वल समझ में आया? तो कैसे ये होगा, ये तीनों तीन सेक्शन में बटा, तीन पैरेलल हुए, और पैरेलल का एडिशन कैसे होता है, 1/r = 1/r1+1/r2। और उसे r1 जहाँ r1 मान ले, r2 मान ले, r3 मान निकाल ले, तीनों को अलग अलग निकाल ले, फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में जोड़ देते हैं। आशीष आप थोड़ा लेट जुड़े हो, समझ में आ गया? ये देखिए, क्वेश्चन किया गया था और उसको हमने अरेंज करके इस तरह से लगाया है। टॉयलेट जो है तो हो सकता है कि पहली वाली बात नहीं सुन रहा हो, तो समझ में आया है ना? आदित्य समझ में आया है? वो एक बार और समझाते हैं ये कि जितने भी ये लूप रेसिस्टर आपस में जुड़े दिए रहेंगे तो उसको सेक्शन वाइज निकाल लेना। जैसे कि हमने इसको तीन सेक्शन में बांटा, फर्स्ट सेक्शन में 4/4 है, तो आप ये देख रहे हो कि जो रेसिस्टर है ये तो फर्स्ट वाला है, तो इसका तो छोड़े, अगर ये फर्स्ट है तो ये तो डायरेक्ट जुड़ गया है फर्स्ट में ही, लेकिन दूसरा वाला है उसके पास दो रास्ते हैं जुड़ने के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो भी इधर से इसको करंट मिल जाएगा, अगर इधर से कुछ ब्रेक हो जाता है तो इधर से उसको करंट मिल जाएगा। तो इस तरह के कोई रेसिस्टर्स आपस में जुड़े हो तो वो पैरेलल में आते हैं, ना कि सीरीज में। अगर मान लो कि इधर से ये सारे हम काट दें तो ये सीरीज हो गया, ये आकर इससे सीरीज हो गया, अगर इसको हटाए। अगर एक ही पास से बहुत सारे रेसिस्टर्स जुड़े हों तो उनको सीरीज में लेते हैं, अगर डबल पास आ गया तो उसको हम पैरेलल लेते हैं। तो वो जो दिया हुआ कंडीशन है उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, इसको इधर पकड़ के खींचा और इसको इधर पकड़ के खींचा, ये जब सीधे हो गए तो कुछ इस तरह से दिखने लगे जो दूसरा वाला होता है। पहला सेक्शन ऐसा हो गया, दूसरा सेक्शन ऐसा हो गया, तीसरा सेक्शन ऐसा हो गया। अब ये तीन सेक्शन हो गए, तीनों में क्या है, किसी का बॉलम वॉलम है, बंद करो। तो तीनों सेक्शन में पैरेलल के तीन सीरीज हो गए, तो यहाँ पैरेलल 4/4 है इसको निकाल लो, इसका इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ पैरेलल 2/2 है इसको निकाल लो, इसकी इफेक्टिव क्या होगा, और यहाँ पे पैरेलल 6/6 है इनका इफेक्टिव निकाल लो। वो कैसे निकलता है, जब पैरेलल जुड़ा रहता है तो इफेक्टिव हो जाता है 1/r = 1/r1+1/r2। और मैंने बताया था कि दो होगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, वो कैसा होगा, r1 into r2 by r1+r2। इसका इस्तेमाल करके आप निकाल लोगे, और सीरीज में जो आ जाएगा वो डायरेक्ट हो जाता है r = r1+r2+r3। और उससे इजी हो जाएगा ये कि आप ऐसा समझ लो कि अगर दो रेसिस्टर्स है और उनकी जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि 4/4 जैसे है, 2/2 है, 6/6 है, तो दो सेम रेसिस्टर्स अगर पैरेलल जुड़ेंगे तो उनका इफेक्टिव रेसिस्टर्स जो हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 4/4 जुड़ा है तो इसका 2 ओम हो जाएगा, ये 2/2 जुड़ा है तो 1 ओम हो जाएगा, और ये 6/6 जुड़ा है तो 3 ओम हो जाएगा। तो इनको पैरेलली जब निकालेंगे तो अब ये किस तरह का हो जाएगा उसको देखिए, इसका जब हम निकाल देंगे तो ये पहला हो जाएगा R1 मान लेते हैं सेक्शन को, तो ये R1 सॉरी R मान
इसी तरह यह टू टू है, इसको करेंगे इसका आधा वन हो जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं, ये वन हो गया, और इसको जोड़ देते हैं, यह सिक्स सिक्स था तो थ्री ओम हो गया, और इसको लाकर जोड़ देते हैं हम एमिटर। अब यह सीरीज में हो गए, और सीरीज में क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पे टू थ्री वन है, तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा सिक्स ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है टेन ओम, टेन वोल्ट। तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें मिलता है I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी दिया हुआ है 10 और आर आपने निकाला 6, तो ये हो जाएगा 5 बाई 3 एम्पियर। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस एम्पियर की रीडिंग कितनी आएगी, तो वो एम्पियर की रीडिंग यही आएगी 5 बाई 3 एम्पियर, क्योंकि जो सर्किट पूरा दिया रहेगा उसका इफेक्टिव रेसिस्टर्स निकालते हैं, और उस सर्किट्स में फ्लो होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यानी कि जो ईएमएफ होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं। ईएमएफ क्या तो नहीं, टर्मिनल वोल्टेज में, इसकी चर्चा हम लोग अगले उसमें करेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जो बैटरी से बाहर हमें वोल्टेज मिलता है, उस वोल्टेज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो सर्किट्स में फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू हमें मिल जाता है, और अगर उस सर्किट में एम्पियर जुड़ा हुआ है तो उस एम्पियर की रीडिंग हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, 5 बाई 3 एम्पियर, 5 बाई इसकी रीडिंग जो मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी 5 बाई 3 एम्पियर। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगला एक क्वेश्चन आ रहा है, जो पहले आप ट्राई करोगे बाद में मैं ट्राई करूंगा। चलिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर होगा अगला, और अमिताभ बच्चन जैसे करोड़पति जो पूछता है ना, तो बोलता है कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जा चुका है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, तो बताना है दो चीजें, व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट एंड व्हाट इज द एम्पियर ऑफ दिस सर्किट, यानी कि करंट फ्लो ऑफ दिस सर्किट। दो चीजें निकालना है आपको, क्या क्या निकालना है, इफेक्टिव आर इज इक्वल टू व्हाट एंड टोटल करंट इज इक्वल टू व्हाट। आप ये देखें कि करंट स्टार्ट होकर और एंड कहाँ होता है, यानी कि जो सोर्स है उसकी तरफ से बिल्कुल अपोजिट चले जाए, जैसे अपना सोर्स यहाँ पे है तो हम स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से, और सबसे पहले इस सेक्शन की बात करते हैं, बाकी सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले उस कॉर्नर वाले सेक्शन से। उसमें आप देख रहे होंगे कि दो जो रेसिस्टर्स है 15 ओम और 5 ओम, उनके लिए दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ते है, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से, उन दोनों के कनेक्शन के बीच दो रास्ते नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेक होता है तो आप सोचोगे कि इधर से आकर इधर मिलेगा, वो नहीं मिलता है, वो एंड हो चुका है, किसी इसके बाद यही जुड़ना है इधर से जाएगा तो इसके बाद ये जुड़ना है, मतलब तो वो दोनों जो कनेक्टर सिस्टर्स है उनके लिए एक ही रास्ता है, उन दोनों के लिए आपस में जुड़ने का एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं है कि वो अगर यहाँ से जुड़ा होता तब उनके पास दो रास्ते हो सकते हैं इस तरह का कोई जुड़ा है, लेकिन उनके लिए एक ही रास्ता है, तो वो दोनों सीरीज में होंगे, लेकिन जस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ 20 ओम्स है वो उनके लिए दो रास्ते हैं, उनमें से इन लोगों में से कोई एक रेसिस्टर से अगर ब्रेक भी हो जाए तो उसको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों भी ब्रेक हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनमें से कोई एक ब्रेक होगा तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा, इसको दोनों तरफ से मिलने वाला है। तो
इसमें ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये उन लोगों का पैनल हो जाएगा। तो सबसे पहले उस कॉर्नर वाले को रीअरेंज करते हैं। और एक और चीज बता दें, ये रूल्स में नहीं होता है इसलिए आपको इसको रूल्स में नहीं लेना, लेकिन जनरली ये याद रखना कि जब आप कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो इजी बन के चला आएगा, हर एक दूसरे का कनेक्टर उससे मिलता चला आएगा। और देखो कैसे मिलेगा, इसको ध्यान से देखना, उसके बाद से किसी तरह के आप सर्किट्स को उसका इफेक्टिव रेसिस्टर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने रूप में मिला। चलो उस कॉर्नर को पहले जोड़ते हैं, देखो वो कैसे होता है। ये देखिए उन तीनों को छोड़कर बाकी जितने रेजिस्टर्स है इसको हमने जोड़ दिया और उनको स्टेज कर दिया, खींचकर उनके कंडक्टर्स पर खींचकर स्टेज कर दिया। जब स्टेज कर दिया तो उनका कुछ डिवीजन कैसे हो गया, उनका रीअरेंजमेंट कैसे हो गया, ये देखिए जब उनका हमने स्टेज किया उनको तो उनका रीअरेंजमेंट हो गया। 15 और 5 जो सीरीज में थे वो पास पास आ गया, ठीक उनके पैरेलल में आ गया 20। आशीष ये देखा ना कैसे जुड़ा। तो आप ऐसी कंडीशंस में आप केवल इसका निकाल कर हमको बताओ कितना होगा, इस सेक्शन का जो हमने उसको एक्सटेंड किया है, इस सेक्शन का कितना होगा रेसिस्टर उज्जवल अनिकेत आदित्य सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए सभी लोग बताएं उसका कितना होगा, क्या कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम जुड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 20 और 20 पैरेलल है तो इनको निकालेंगे तो जैसे मैंने बताया कि दोनों बराबर हो और पैरेलल हो तो उसका हाफ रेसिस्टर हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। ठीक है, जब 10 हो गया तो इनका रीअरेंजमेंट कैसे हो गया ये देखते हैं पहले। अब यह देखो उसको जोड़ा, ये 10 जो हमारा आया था वो 20 उसके सीरीज में था और 40 उसके पैरेलल ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब समझा गया ना। अब ये बताओ इस सेक्शन का कितना होगा, ये वाले सेक्शन का कितना होगा रेसिस्टर्स, ये हो गया 15। तो ये 15 और ये 5 और ये 20 ये अब एक ही बात में आ गया, तो ये सीरीज में हो गए। ये तो 15 हुआ ना, पैरेलल में नहीं। देखो इस 20 के पास आना चाहिए कौन सा रास्ता, एक ही रास्ता है, चाहे इधर से जाए तो चाहे उधर से आए तो 5, 15 और 20 एक ही रास्ते में जुड़े हुए हैं, दो रास्ते इनके पास नहीं है, चाहे इधर से जाए तो भी सिंगल पास है, चाहे इधर से जाए तो भी इनके पास सिंगल पास है। ठीक है, कहीं पर भी देखो ब्रेक मार देते हैं तो क्या होता है, जैसे इसको यहाँ ब्रेक मार दिया तो यहाँ से जो करंट आ रहा है यहाँ से क्रॉस ही नहीं करेगा तो करंट से यहाँ कहाँ जाएगा, तो ये दोनों बेकार हो जाएंगे। या फिर ये क्रॉस हो गया, इसमें से एक क्रॉस हो गया तो अब यहाँ करंट इसको इधर से निकल जाएगा तो यहाँ आकर ब्रेक हो जाएगा, ये करंट वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो ये तीनों एक पाथ में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये देखो इसको जोड़ते हैं तो ये कैसा हो जाएगा। ये जो अभी निकाला गया ये 15, ये देखिए ये 5, 15 और 20 इसमें से कोई एक ब्रेक हो जाए तो इनको इनके द्वारा होकर फ्लो होने वाला करंट नहीं हो पाएगा, हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा, कोई एक ब्रेक हो जाएगा तो चाहे 5 वाला हो चाहे 20 हो चाहे 15 हो, इन तीनों में से कोई एक ब्रेक हो जाएगा तो इनके द्वारा होकर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए ये सीरीज में हो गए
इधर से ब्रेक पे हो जाए तो वो यहाँ से आकर इधर से पास कर जाएगा, ये ब्रेक होगा तो इधर से पास कर जाएगा। तो इसको पास करने के लिए दो रास्ते हैं, तो इसके ब्रेक होने से, इन लोगों के ब्रेक होने से इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये पैरेलल में हो गया, जब पैरेलल में हो गया तो इनका रीअरेंजमेंट करते हैं। तो देखो इनका रीअरेंजमेंट कितना कैसा होता है, इनका रीअरेंजमेंट हो गया कुछ इस तरह का, ये 40 आया था 5 + 15 + 20 से, ये जो सीरीज में जुड़े थे तो उससे 40 आया था और एक पैरेलल था 40, ठीक है। तो अब इनका कितना हो गया, इनका हो जाएगा 20, क्योंकि हाफ कर देंगे इसको, तो ये 20 हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे ये 20 जुड़ गया, उसको जोड़कर दिखा देते हैं कि अब वो कैसा हो जाएगा। ये हमारा पिछला था और इनको जोड़ देते हैं कनेक्शन करके, तो ये हो गया 20, ठीक है। अब कोई लूप नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन कैसा है, ये कनेक्शन सीरीज है, क्योंकि इसमें से कोई एक ब्रेक होगा तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये अब सीरीज में हो गया तो सारे को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आर, हमने निकालना था वो हो गया 100, और दूसरा हमने निकालना था फॉरेड, और फॉरेड तो उस तौर से होता है वी बाई आर, तो वी दिया हुआ है 5 वोल्ट और हमारा आर आ गया 100, तो हमारे पास आया 1/2 एम्पियर्स लिखे या फिर 0.5 एम्पियर्स लिखे, ये हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और पता चल जाएगा कि किस किस को परेशानी है किस को नहीं है। और अगला क्वेश्चन शेयर है आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है जो कि ए से लेकर बी के बीच में प्राप्त हो रहा है। सर्किट ए से बी के बीच में जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर कितना है, या आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके लिए 2 मिनट टाइम है क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है और आपके टाइम स्टार्ट होते हैं ना।